यूपी सरकार द्वारा बनाई गई जांच कमेटी ने 2 साल पहले गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत के मामले में कफील अहमद खान को आरोपों से बरी कर दिया है। जांच कमेटी की 15 पेज की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है। मेडिकल कॉलेज में लिक्विड ऑक्सीजन की रख रखाव, भुगतान, ऑर्डर, सप्लाई और प्रबंध में कफील अहमद खान की कोई भी भूमिका नहीं थी। साल 2017 अगस्त महीने में गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में कई नवजात बच्चों की एक साथ मौत हुई थी। मौत का कारण पता चला था कि अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो गई। समय पर ऑक्सीजन ना मिलने से इन बच्चों की मौत हो गई। यूपी सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से ऑक्सीजन का बकाया बिल नहीं चुकाया गया था। इस मामले में शुरुआत से ही मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर कफील अहमद खान की भूमिका पर सवाल उठते रहे हैं। डॉक्टर खान ने कहा था कि उन्होंने बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडरों का इंतजाम किया था, कई जगहों पर संपर्क भी किया था, लेकिन मामले की जांच की शुरुआत में ही यूपी सरकार द्वारा गठित जांच एजेंसी ने आरोप लगाए थे कि उनको कफील अहमद खान की भूमिका पर शक है। उन पर आर्थिक गड़बड़ी करने का, अनदेखी और भ्रष्टाचार के तहत जांच कमेटी बिठाई गई थी। 22 अगस्त 2017 को उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया था। अब जांच रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि इस घटना के समय कफील अहमद छुट्टी पर थे, लेकिन छुट्टी पर होने के बावजूद कफील खान ने इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को संभालने के लिए सारी मुमकिन कोशिश की थी। रिपोर्ट में डॉक्टर कफील के दावों की पुष्टि की गई है। उन्होंने अपने लेवल पर वार्ड का जुगाड़ किया और जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर का भी। लिक्विड ऑक्सीजन की अचानक कमी होने की वजह से उसकी जरूरत उठी थी। कफील खान पर लापरवाही के भी आरोप लगे थे। इस बारे में जांच कमेटी की रिपोर्ट ने कहा है कि इस बाबत कोई भी सबूत नहीं पाया गया है। कफील खान पर लगे ये आरोप कि ऑक्सीजन की खरीदारी का जिम्मा उनका था, इस पर भी ये सफाई आई है कि वो ऑक्सीजन टेंडर प्रोसेस का हिस्सा नहीं थे। इस रिपोर्ट पर जांच अधिकारी स्टैंप और निबंध विभाग के प्रमुख सचिव हिमांशु कुमार के साइन है। मीडिया से बातचीत करते हुए कफील खान ने कहा कि इस पूरे मामले की कायदे से जांच होनी चाहिए। इस मामले के असली अपराधी वो लोग हैं जिन्होंने समय पर ऑक्सीजन का पेमेंट नहीं किया, जिन परिवारों के बच्चे मारे गए, उनके घर वाले अभी भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं। इस मामले में कफील खान 9 महीने जेल में रह चुके हैं और मेडिकल कॉलेज से सस्पेंड कर दिए गए थे। जब ये मामला सामने आया था तो यूपी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बयान दिया था कि अगस्त में तो बच्चे मरते ही हैं। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं दी लल्लनटॉप। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम इंस्टाग्राम पे भी हैं तो और वीडियोस के लिए हमें वहां जरूर फॉलो करिए। थैंक यू।